जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं प्रियांशु तिवारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीतापुर फिजिकल एकेडमी परिवार में। साथियों, पूरे भारत के लिए भारतीय सेना में, इंडियन आर्मी में परमानेंट वैकेंसी आई हैं जो कि अभी तक आपको नहीं पता है। साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि उसमें एज क्या है, क्योंकि उसमें एज की भी बहुत ज़्यादा छूट दी गई है और कौन से लोग हैं जो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों, अगर आप भारतीय सेना की तैयारी करते हैं और कोई भी डिफेंस सर्विस की तैयारी करते हैं, तो सबसे पहले आप सीतापुर फिजिकल एकेडमी के व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाइए, जिससे आपको स्टेटस के माध्यम से सबसे पहले अपडेट पहुंच सके। तो व्हाट्सएप नंबर है 9455347294, 9455347294। साथियों, इस पर आपको क्या लिखना है, जय हिंद लिखना है। आपको जय हिंद टाइप करना है और आपका नंबर सेव कर लिया जाएगा और जो भी इंफॉर्मेशन होगी सबसे पहले पहुंचेगी आप तक। तो साथियों, जो वैकेंसी आई है उसमें एज क्या लेंगे, क्या सिलेबस रहेगा और कौन से लोग हैं जो अप्लाई कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो की पूरी डिटेल्स में बात करेंगे कि कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे फॉर्म भरना है और कौन कौन सी उसमें वैकेंसी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को मैं गुड न्यूज़ देना चाहूँगा, जो कि सीतापुर फिजिकल एकेडमी का जो कि 2100 प्लस क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ था, जिसका प्राइस पहले था 99 रुपये, वह अब मात्र आपको 50 रुपये में मिलेगा, जो कि भारतीय सेना के लिए ब्रह्मास्त्र है। तो आप भी अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो अभी आप दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें और जय हिंद टाइप करें, और आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो तुरंत मैसेज करें, आपको पीडीएफ व्हाट्सएप कर दी जाएगी। अब हम बात करेंगे कि आप कैसे इस फॉर्म को अप्लाई करें और कौन कौन से लोग हैं जो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, इसमें साफ साफ दिया हुआ है, इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम अनमेरिट इंडियन मेल एंड फीमेल्स कैंडिडेट। साथियों, यह वैकेंसी पूरे भारत के लिए है और जो अविवाहित लोग हैं वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी महिला और पुरुष दोनों के लिए है, यह भी स्पष्ट हो चुका है, आप सभी लोग जान चुके होंगे कि इसमें साफ साफ दिया है मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स। लेकिन साथियों, इसमें वह युवा ही अप्लाई कर सकते हैं जो स्पोर्ट पर्सन है, क्योंकि इसमें दिया हुआ है स्पोर्ट्स पर्सन एज डायरेक्ट एंट्री हवलदार एंड नायब सूबेदार। इसमें पोस्ट भी दी हुई है कि कौन कौन सी पोस्ट है, पहली पोस्ट है हवलदार और दूसरी पोस्ट है नायब सूबेदार की, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है। साथियों, इसमें साफ साफ दिया हुआ है अंडर स्पोर्ट्स कोटा एंट्री, ये स्पोर्ट भर्ती है, और नीचे दिया हुआ है कि आपका जो ऑनलाइन डेट है वह 1 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट होगा, 30 अक्टूबर 2023 तक चलेगा, और जो आपका ट्रायल्स होना है वह है 20 नवंबर और 20 नवंबर से 20 दिसंबर तक आपका ट्रायल होगा। आप चाहे एथलीट हो, आप किसी भी स्पोर्ट से आते हो, आपका उसी चीज़ का वहां पर ट्रायल होगा। तो अब हम बात करेंगे कि इसमें एज क्या लेंगे, इसमें जो आयु सीमा है वह कितनी है, क्योंकि स्पोर्ट कैंडिडेट्स हैं तो वो कब तक अप्लाई कर सकते हैं, वह सारी बात हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। अगर हम एज की बात करें तो आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि एज लिमिट जो है वह 17.5 से 25 वर्ष की गई है। इसमें जो 17.5 से 25 वर्ष के जो भी बच्चे हैं वह सारे बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स पर्सन होना चाहिए। हाँ, इसका जो डेट का रेशियो है, डेट ऑफ बर्थ का, वो क्या रखा गया है, तो 1 मार्च 1999 से 30 अगस्त 2006, आप इसके बीच आते हैं तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। हाँ, तो अब हम बात करें कि इसमें शैक्षिक योग्यता क्या रहेगी, कि आपने 10th पास कर लिया है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, या फिर 12th पास किया है तो आप अप्लाई कर पाएंगे, या फिर कक्षा 8 से भी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो और अगर हम बात करें इसमें हाइट की, तो साथियों हाइट जो कि आर्मी अग्निवीर में जिस राज्य की जैसे रहती है, ठीक उसी प्रकार हाइट का रेशियो इसमें दिया हुआ है। आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि जो भी बॉर्डर इलाका है उनको जिस तरीके की छूट दी जाती है,
और जिस राज्य को जो छूट दी जाती है सेम उसी प्रकार आपको इसमें भी छूट दी जाएगी। ठीक है, तो आप किसी भी राज्य से हैं उसमें कोई भी समस्या नहीं है। आप जैसे अग्निवीर की हाइट मिलती है, जैसे छूट मिलती है जो भी हाइट है, ठीक उसी प्रकार इसमें भी आर्मी जो परमानेंट जॉब है इसमें भी आपको उसी प्रकार से हाइट में छूट मिलेगी। और अगर हम बात करें फिजिकल की, तो फिजिकल में भी आपको 1600 मीटर ही दौड़ना है, 5 मिनट 45 सेकंड। हाइट भी उसी प्रकार बता दी गई है, जो फीमेल की हाइट है वो 162 सेंटीमीटर है, जो कि पहले 152 हुआ करती थी, लेकिन जब से ये अग्निवीर आया है तब से 162 सेंटीमीटर फीमेल की हाइट कर दी गई है। अगर हम बात करें कि कौन से लोग हैं जो स्पोर्ट का कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आप अप्लाई कर सकते हैं, तो साथियों स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल कोई भी सर्टिफिकेट है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, गोल्ड और सिल्वर, और जो आपने मतलब टीम में भाग लिया है वो, अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में आप हैं तभी आप इसमें भाग ले सकते हैं। साथियों अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और हमारे सीतापुर फिजिकल एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहां से आपको अपडेट सबसे पहले प्राप्त होगी। जय हिंद।